Manvia, you have told the previous question. Aditya, will you try? Yes, ma'am. Anji, what will be its derivative? 2 cos x cube plus sin x to power 5 plus sin square x to power 5. Speak it again. Let me write down. Cos x cube as it is? Yes, ma'am. Anji, what is the derivative of sin square x to the power 5? 2 sin x to the power 5. 2 sin x to the power 5. Plus. Y plus. This is further differentiable. Dx by dt. ये आपने u as it is ले लिया, derivative of v आपने ले लिया 2 sin x to the power 5 into derivative of x to the power 5 because this is further differentiable. What is the derivative of x to the power 5? 5 x to the power 4. Yes, into 5 x to the power 4. Now plus sine square x to the power 5. Sine square x to the power 5, यानि कि v as it is. Into derivative of u. Cos x cube. Derivative of cos is? M sin. Sin or minus sin? अभी बताया मैंने जो cos is minus sin लगेगा. Minus sin. So minus sin of x cube into this is further differentiable. 3x square. So इसको आप simplify करके you will get your answer. Now the question number 7. In question number 7, we are having 2 root cot of x square. Ye complete kar lena, aage isko rewrite karna hai aapne. Two root cot x square. Chaliye. What is the derivative of cot? Cot ka derivative. Yes, Charanjot. Ma'am, question 6th में जब हमने v का derivative किया तो sine ने cos नहीं बनना. कहाँ पे बच्चे? 6th question में. हाँ, यहाँ पे one step is missed. I was seeing this कि किसी ने भी ये point out नहीं किया. Cos of x cube आ गया, sine square का 2 sine x to the power जो है 5 आ गया. एक्चुअल में जब आप इसको करते हो, आपको ये बताया गया है प्रीवियस क्लास में भी कि यू विल राइट इट डाउन इन दिस वे, और इस तरह से आपके जो गलती होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं. आदित्य, जस्ट टेक केयर ऑफ दिस. ये आपका बन गया 2 साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन आपका फर्दर डिफ्रेंशिएबल है इंटू ये आपका फर्दर डिफ्रेंशिएबल है, तो दिस विल बी योर that derivative of this previous question. ठीक है, it means किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था इस तरफ. It's good कि चरणजोत you were sitting attentively. यहाँ पे 2 sin, आदित्य I hope this one is clear to you now. ये 2 sin x to the power 5 आपका है. यहाँ पे sin भी जो है, क्योंकि sin square था, sin is also further differentiable, तो यहाँ पे cos x to the power 5 भी साथ में आना है. Got it? Yes, ma'am. Okay. Now, ab 7th question mein bhi is cheez ka dhyan rakhiyega. Twice of root cot x square. Ankita, will you try? Yes, no, be even you people jo hai, don't give the rest. Ma'am, 1 minute. Anyone else? Kshitij? Yes, ma'am. Anji. Can you try this? Okay, I can see one hand was raised. Sushant, your hand was raised.
विल यू ट्राई मैम वो मैंने मैम मैंने कहना था क्वेश्चन नंबर 6 में अभी जो आप बता रहे थे वो रिपीट कर दो, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम थी तब. ओके क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे वी वर हैविंग हमारे पास ये था y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5. u हमने एज इट इज लिख दिया. अब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 जो है आपका, दिस यू कैन राइट डाउन एज साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5 होल स्क्वायर. अब जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये पावर आपकी आगे आ गई, दिस बिकेम 2 साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू, अब ये आपका फर्दर डिफरेंशिएबल क्योंकि पावर यहाँ से हमने आगे ले ली, पावर को 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया और ब्रैकेट में जो होता है वो आपका अगर फर्दर डिफरेंशिएबल है तो आप उसका डेरिवेटिव लेते हो. तो साइन का डेरिवेटिव आ गया आपका कॉस, एंड सिंस दिस इज फर्दर डिफरेंशिएबल तो इसका डेरिवेटिव आ गया आपका 5x4. बाकी ये एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एज इट इज, यू एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ वी. अब यहाँ पे कॉस की पावर नहीं थी तो कॉस को हमने डायरेक्ट ले लिया माइनस साइन एक्स क्यूब, और उसके बाद एक्स क्यूब था ब्रैकेट में तो एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है दैट इज 3x2. यहाँ पे दोबारा इसका डेरिवेटिव कॉस वाले का नहीं लेना क्योंकि कॉस की पावर 1 ही थी यहाँ पे. यहाँ पे साइन की पावर आपकी 2 थी तो इसलिए हमने इसको यहाँ फर्दर डिफरेंशिएट किया था. सो आई होप दिस वन इज क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू 2 रूट cot x स्क्वायर. हाँ जी, ओके आई कैन सी एविश यू विल ट्राई नाउ. मैम 2 एज इट इज रहेगा, फिर cot x स्क्वायर अंडर रूट को हम डिफरेंशिएट करके 1/2 अंडर रूट cot x स्क्वायर लिख देंगे, फिर उसको फर्दर डिफरेंशिएट अगर करते हैं. जस्ट वेट यहाँ पे दिस विल बी इन द न्यूमरेटर और इन द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में, इन द डिनोमिनेटर. यस नाउ फिर कॉट को मतलब हमने कर दिया डिफरेंशिएट तो वो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके 2x बन जाएगा इनटू में. ओके फाइन. नाउ यू कैन सी दिस कि हम इसको कैसे कर सकते हैं. अगेन कॉट एक्स स्क्वायर पे हमारा रूट था तो दिस कैन बी रिटन एज हाफ, पावर हाफ हमने ले लिया. यहाँ पे आप पावर फॉर्मूला लगा दोगे, 2 ये ऑलरेडी आपका है, ये एज इट इज आ गया, ये हाफ पावर आपकी आगे आ गई कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर टू द पावर एन माइनस 1 हाफ ऑफ माइनस 1, यानी कि ये माइनस हाफ आ गया आपका. नाउ दिस इज फर्दर डिफरेंशिएबल, कॉट का डेरिवेटिव इज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर then x square as it is and this is further differentiable तो इसका derivative 2x. मैंने एक ही step में दोनों को इकट्ठे differentiate कर दिया, 2 as it is, ये half आगे आ गया, cot x square की power half minus 1 that is minus half बन गई, then ये आपका further differentiable था, cot का derivative minus cos x square तो minus cos x square, angle आपका यहाँ पे क्या था x square, ये as it is आ गया, दिस इज अगेन फर्दर डिफरेंशिएबल तो ये हमने ले लिया 2x. अब इसको रीराइट कर देना, ये वाला 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज माइनस 2x, cot of x square अंडर द रूट आपका नीचे आ जाएगा, ये पावर नेगेटिव थी, यहाँ पे ये पॉजिटिव बन जाएगा इंटू cos x square x square. सो दिस इज योर आंसर. सो इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस यू कैन आस्क. Otherwise, now moving on to question number 8. Question number 8 mein, again, this is a simple cos of root x. Derivative liya, differentiating both sides. Cos ka derivative is? Derivative of cos x is? Minus sine. Yes. माइनस साइन एक्स की जगह आ जाएगा रूट एक्स, एंड रूट एक्स इज फर्दर डिफरेंशिएबल
ये अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करके दिखाया था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स, सो दिस इज माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, सो दिस इज योर आंसर. नाउ अब जो 9th और 10th क्वेश्चन है ये ध्यान से देखना. 9th और 10th क्वेश्चन में हमने चेक करना है वेदर द गिवन फंक्शन इज डिफ्रेंशिएबल और नॉट. एट एक्स इज इक्वल टू हमें पॉइंट गिवन है, तो हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है वो हमारा डिफ्रेंशिएबल है या नहीं है. तो डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं. अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो आपके इक्वल आते हैं देन द फंक्शन इज डिफ्रेंशिएबल, यानी कि उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है. अगर वो दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. ये चीज का आपने ध्यान रखना है. अब डेरिवेटिव जो है आपको पता है दैट वी डिनोट बाय एफ डैश एक्स. एक फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स है तो उसका जो डेरिवेटिव है दैट वी डिनोट बाय एफ डैश एक्स. अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो. ये आपने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो आप करते होते थे. तो लिमिट एक्स यहाँ पे एच आएगा आपका, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. अगर ये आपका जो है डिफाइंड है ये लिमिट, तो ये एफ डैश एक्स यानी कि ये एफ ऑफ एक्स का आपका डेरिवेटिव बनता है. और जो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव है दैट इज यू नो इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन. तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने हैं. और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आपके दोनों इक्वल आ रहे हैं देन वी विल से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. अगर वो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वी विल से फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. एक चीज का आपने और ध्यान रखना है कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इफ अ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो ये कभी भी आपकी डिफरेंशिएबल नहीं होगी. इसका डेरिवेटिव कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर आपकी फंक्शन जो है वो नॉट कॉन्टिन्यूअस है. यानी कि डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. लेकिन अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दैट विल ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूअस. तो डिफरेंशिएबल है अगर एक फंक्शन तो वी कैन से दैट द फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस. नॉट कॉन्टिन्यूअस है अगर फंक्शन तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा. बट कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इट मे बी डिफरेंशिएबल और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल. ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी जो है दैट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है. अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो सेम फंक्शन मे बी डिफरेंशिएबल और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल. अगर हमें कॉन्टिन्यूटी गिवन है तो हम डेफिनेटली या श्योरली ये नहीं कह सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा. बट अगर एक फंक्शन मुझे डिफरेंशिएबल गिवन है देन आई कैन श्योरली से दैट दिस इज कॉन्टिन्यूअस. तो डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. बट कॉन्टिन्यूटी जो है दैट डज नॉट इम्प्लाई दैट द फंक्शन विल डेफिनेटली बी डिफरेंशिएबल. इट मे बी डिफरेंशिएबल और इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल. हाँ, अगर ये आ जाता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है देन इट डेफिनेटली इम्प्लाइज कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा. डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन implies that function is not differentiable. Differentiability of a function implies that function is continuous. But continuity of a function does not necessarily imply that the function will be differentiable only. It may be differentiable, it may not be differentiable. तो ये तीन चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए. अब हमने क्या करना है, हमने जो है derivatives जब check करने हैं तो simply हमने check करना है लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम फ्रॉम माइनस साइड लिमिट ले लेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव में वी विल टेक द लिमिट फ्रॉम पॉजिटिव साइड. अब क्वेश्चन मुझे गिवन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8. प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1. अब पहले तो क्योंकि ये मुझे मॉड वाला फंक्शन गिवन है
तो मॉड्यूलस ऑफ वाले जो फंक्शंस हैं मुझे पता है कि दे आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो मुझे ये चेक करना है कि x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1. मुझे x इज इक्वल टू 1 पे शो करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. अब f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है, मॉड्यूलस में है ये फंक्शन, तो वी विल रीराइट इट. x माइनस 1 है तो इसको इक्वल टू 0 पुट किया, या ऑलरेडी आपको गिवन ही है यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन को हम रीराइट करेंगे x लेस देन 1 के लिए और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए. अब देखो जब x लेस देन 1 है इट मींस इस रिजल्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए आई विल टेक द रिजल्ट एज इट इज. तो यहाँ ये बन गया, अगर मैं इसको ओपन कर लूं ब्रैकेट को तो दिस इज 1 माइनस x एंड दिस इज x माइनस 1. अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, लेफ्ट हैंड जो है डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको मैंने अभी बताया कि दिस इज लिमिट जो भी आपका है, जैसे x अप्रोचेस 1 है यहाँ पे, तो 1 फ्रॉम माइनस साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1 हम ले लेंगे. अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो राइट हैंड में हम क्या ले लेंगे, 1 फ्रॉम प्लस साइड ले लेंगे, बाकी एज इट इज आ जाएगा. तो अब यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका लिखूंगी. अब f ऑफ x जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए वो ये लेके चलना है, राइट हैंड के लिए आप ये लेके चलोगे. सो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम माइनस साइड. अब f ऑफ x की जगह मुझे क्या लेके चलना है, यहाँ पे 1 माइनस x माइनस f ऑफ 1. अब f ऑफ 1 जब मैं यहाँ लूंगी तो f ऑफ 1 आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए दिस इज x माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 दैट इज 0. तो ये आ गया 0, ये f ऑफ x की वैल्यू आ गई, माइनस f ऑफ 0 आ गया, अपॉन में हमने क्या लेना है x माइनस 1. तो दिस इज 1 माइनस x अपॉन x माइनस 1. नेगेटिव साइड अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं तो ये बन गया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 विद माइनस साइन, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1. अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव ले लेंगे. राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम प्लस साइड हो जाएगा, और फंक्शन क्या है यहाँ पे आपका x माइनस 1, f ऑफ 1 की वैल्यू है 0 अपॉन में x माइनस 1. अब x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 आपका क्या आ गया यहाँ पे 1. ये क्लियरली आपको क्या शो कर रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. तो अब क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यू विल राइट डाउन f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1. So this was your question. दुबारा देख लो इसको. हमने फॉर्मूला जो यूज करना है that is limit extends to 1 from minus side and limit extends to 1 from plus side. F of x minus f of जो भी पॉइंट पे आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हो अपॉन में भी सेम x माइनस a लेके चलते हैं, a यहाँ पे 1 है आपका. अब f of x जो है for 1 फ्रॉम माइनस साइड, यानी कि x लेस देन 1 के लिए दैट इज 1 माइनस x, तो यहाँ पे हमने इसको 1 माइनस x ले लिया, माइनस f ऑफ 1 इज 0 अपॉन में x माइनस 1 आ गया एज इट इज. जो ये वैल्यूज हैं ये वाली सेम आती हैं आपके, और अपॉन में भी उसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव में भी x ग्रेटर देन के लिए 1 के लिए आपका फंक्शन था x माइनस 1, तो आपने इसको ले लिया लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम प्लस साइड, f ऑफ x की जगह आपने x माइनस 1 पुट किया, माइनस f ऑफ 1 की जगह आपने माइनस 0 पुट किया, अपॉन में x माइनस 1 एज इट इज. ये सिंप्लीफाई करके आपका प्लस 1 आया, ये माइनस 1 आया, माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू प्लस 1, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 9. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में देखो हमें गिवन है शो दैट f ऑफ x इज equal to zint x is neither continuous nor derivable at x is equal to 2. At x is equal to 2 हमने इसको चेक करना है. तो अभी आपको मैंने बताया था कि फंक्शन जो है हमारा अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो वो डिफरेंशिएबल भी आपका फंक्शन नहीं होगा.
सो जब आप इसको ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेंट एक्स किया हुआ है कि दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. सो वेन एवर अ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस तो इट विल नॉट बी डेरिवेबल ऑल्सो. तो आप इसकी जो है डिसकॉन्टिन्यूटी शो कर दो. Discontinuity implies that function is not differentiable. तो simply आपने क्या करना है इसको शो कर दो at x is equal to 2 ये function आपका derivable नहीं continuous नहीं है. function आपका continuous नहीं है तो derivable भी नहीं होगा. so this question further we will discuss on Monday if you will not be able to do this. so this was your exercise 5.2 simple. इसमें आपके जो questions थे differentiation के थे या ये differentiability के only two questions were there. some more questions I will send you the assignment and you can try from there and whatever will be your doubts that we will discuss on Monday. so